अगर आप लखनऊ में हैं तो जायके के सफ़र में कैसे नहीं निकल सकते। तो सुबह सुबह हम भी पहुंच गए नीरज जी के पास। हेल्दी ऑप्शंस हैं नाश्ते के लिए यहाँ पर, और सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ मिलता है। पोहा है, इडली, ढोकला, लेकिन नीरज जी की स्पेशलिटी है दलिया। नीरज जी, अगर आप दलिया दिखा सकें हमारे दर्शकों को, ये दलिया की मांग बहुत है। तो दूर दूर से लोग दलिया के लिए आते हैं, डिमांड सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हम दलिया पोहा दोनों की होती है। हाँ। जी, तो ये हेल्दी ऑप्शंस क्यों सोचा आपने कि हेल्दी ऑप्शंस आप दे रहे हैं, क्यों सोचा कि आपको ये सब ऑप्शंस यहाँ की जनता को देना चाहिए? मैम, इससे जब कोरोना आया था तो लोग काफ़ी लोग बीमार हुए थे अच्छे खाने खान पान की वजह से, तो हमने सोचा कि लखनऊ वालों को बढ़िया खाना दिया जाए जिससे वो स्वस्थ रहेंगे तो उनका जीवन शैली अच्छी रहेगी। इसलिए मैंने सुना है बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, लगभग लखनऊ के हर जगह से लोग आते हैं। तो दलिया ज़्यादा डिमांड में है कि पोहे? दलिया पोहा दोनों में। चलिए, आपके जो यहाँ पे कस्टमर्स पहुँचे उनसे बात करते हैं, आपका फेवरेट क्या है यहाँ पे? पोहा। क्यों होता है? टेस्ट अच्छा होता है, हेल्दी होता है और लाइट वेट होता है, इसलिए अच्छा लगता है पोहा। अच्छा, तो आप रोज आते हैं? हाँ, अप्रोक्सीमेट डेली आते हैं, पास में ऑफिस है इसलिए डेली मॉर्निंग। आप क्या खा रहे हैं? आपका पोहा, आपकी पोहा। पसंद क्या है यहाँ? पोहा। पोहा, पोहा पसंद है, क्यों? अच्छा लगता है इसलिए पसंद है। हेल्दी है और एक अच्छा ऑप्शन है। जी 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 जी। आप लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग क्या लेने आए? पोहा। पोहा लेने आए। पोहा। अच्छा, पोहा इतना फेमस है यहाँ का? जी। हेल्दी है, सुबह सुबह वही खाने आते हैं। चलिए, तो ये वो जगह है, अगर आप लखनऊ आए तो हज़रतगंज के इस इलाके में ज़रूर आए सुबह सुबह। यहाँ पोहा, इडली, ढोकला और दलिया यहाँ का फेमस है। आप दलिया लेने आए हैं, दलिया की क्या खासियत है यहाँ की? दलिया अच्छी है यहाँ की और टेस्टी है, सुबह सुबह अच्छा लगता खाने में। घर से बेहतर बनती है? घर से भी ठीक बनती, अच्छी बनती है, टेस्टी है। अगर हेल्दी खाना है लखनऊ में और आपको सुबह सुबह इस हेल्दी चॉइस की ज़रूरत है तो यहाँ ज़रूर आइएगा। हज़रतगंज में ये दलिया भी मिलता है यहाँ पर।